मनरेगा कार्य में मजदूरी के भुगतान में भारी कटौती का मामला अब दुलना गांव में देखने को मिला है। जहां पटेवा गांव की तरह ही मजदूरों के भुगतान में भारी कटौती किया जा रहा है। दुलना गांव में मनरेगा कार्य के लिए शासन प्रशासन द्वारा 39,71,000 रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से गांव के बोस तालाब, वीरांगना लक्ष्मीबाई तालाब, जवाहरलाल नेहरू तालाब व महात्मा गांधी तालाब में कार्य हो रहा है। वहीं गांव के लगभग 1200 मजदूर मनरेगा कार्य में लगे हुए हैं। इस लॉकडाउन में ये सभी सरकार द्वारा मनरेगा में रोजगार देने से तो खुश हैं, लेकिन मजदूरी में भारी कटौती से आक्रोशित हैं। सोमवार को DNX मीडिया की टीम मनरेगा में मजदूरी कटौती की हकीकत जानने गांव के 3 तालाबों में पहुंची और वहां कार्य कर रहे मजदूरों से बातचीत, जहां सभी ने प्रमुखता से मजदूरी कटौती के बारे में बताया कि उनके खाते में निर्धारित मजदूरी का आधा भुगतान हो रहा है, जो उनके साथ किसी खिलवाड़ से कम नहीं है। मजदूर पवन साहू, नीरा साहू, विवेक साहू, सुरित साहू, झमेश साहू, टिकेश्वर साहू, लखेराम साहू, गुलशन कुमार, हितेश्वरी व लीलेश्वरी साहू ने बताया कि पिछले सप्ताह में किए गए कार्यों का हम सभी के खाते में 100 रुपये व 140 रुपये के दर से खाते में पैसे आए हैं। पथरीली जगह होने के बावजूद भी हम सभी जी तोड़ मेहनत करके इंजीनियर द्वारा मांगी जा रही माप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद राशि में कटौती करना समझ के परे है। मास्टर रोल भरते समय रोजगार सहायक जब 190 रुपये भरता है तो ऊपर के अधिकारी किस आधार पर मजदूरी में कटौती कर रहे हैं, यह समझ से परे है। सभी ने राशि काटने का सही कारण बताने और इस मामले पर जांच की अपील की है। 190 का 100 तो 174 का 140 रुपए मजदूरी भुगतान समझ के परे। दुलना के ग्रामीण मजदूरी में कटौती से काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 174 रुपए की रोजी वाले काम में उन्हें इतना मेहनत करने के बाद महज 140 रुपये देना या फिर 100 रुपये भर देना समझ से परे है। उन्होंने मनरेगा अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए DNX मीडिया के माध्यम से इस मामले में जांच की मांग की है। इंजीनियर की भूमिका पर उठ रहा सवाल। मजदूर ओम नारायण साहू, देवेंद्र साहू ने बताया कि सप्ताह भर पहले जब इंजीनियर यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए थे तो उन्होंने भी खुद काम की तारीफ की थी। सहायक रोजगार भी पूरी राशि भरने की बात करते हैं तो फिर मजदूरी कट क्यों रही है? वही मजदूरी संबंधित सवाल जवाब पूछने पर रोजगार सहायक द्वारा इंजीनियर से पूछने की बात करने के लिए कह देते हैं। ज्ञात हो कि पटेवा के ग्रामीणों ने भी इंजीनियर द्वारा मजदूरी कटौती के संबंध में शिकायत की थी और जाँच की मांग की थी। ऐसे में अब इंजीनियर सोनी की भूमिका पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। वही उनका मानना है कि मजदूरी पूरी मापदंड के साथ कार्य नहीं करते, इसलिए राशि कटती है। जी, आपके गांव में जो मनरेगा कार्य चल रहा है, संबंध में जानकारी बताइए। ये सर, अभी आज समझ लो 2 सप्ताह के बाद, आज 3रा सप्ताह है। पहले सप्ताह में मतलब 4 दिन काम चला है। पब्लिक देखे कि नेट में 100 रुपये आ रहा है, जबकि हम लोग काम हार्ड वर्क है, उसके बावजूद भी हम लोग इतना गहराई दे रहे हैं। यहाँ पर तालाब में भी मिट्टी देख सकते हैं, यहाँ उबड़ खाबड़ जो तालाब खनाया है उसको भी मतलब एवरेज निकाल सकते हैं। हाँ, हम अधिकारी से यही कहते हैं कि किस हिसाब से हमको 100 रुपये दे रहा है, जबकि मनरेगा का रेट 190 रुपये है। हाँ, 200 रुपये तक के है, उसमें भी मतलब ये कटौती दिखा रहा है। तो पूरा पब्लिक बोल रहा है कि वो अधिकारी आए हमारे सामने नापे और जितना बोलेगा उतना हम खन के देंगे उसको। इतना हार्ड होने जी, आप यही चाहते हैं कि आप हाँ, जितना काम दिया जाएगा करेंगे? हाँ, उतना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ, हमारे यहाँ पूरा मेट, रोजगार सहायक सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है और वो खुद लिख कर दिया है कि वास्तविक में 190 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन ऊपर के जो अधिकारी है वो लोग हमारा पैसा काट कर दे रहे हैं। जी, पंच सरपंच काम करते हैं आपके गांव में? पूरे जितने भी पंच है वो सभी लोग गोदी यहाँ पे फेंकते हैं, खनते हैं। जी, सूचना फलक में राशि का उल्लेख नहीं है तो ग्रामीणों के लिए छांव की व्यवस्था नहीं। मनरेगा कार्य में गोदी कार्य के अलावा अन्य खर्चों का अलग से बड़ी बजट होती है, लेकिन इसका खर्च सही ढंग से यहां नहीं हो रहा है। कार्यस्थल में मजदूरों के बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे मजबूरीवश मजदूरों को पेड़ की छांव का सहारा लेना पड़ता है।
कार्यस्थल में कार्य समाप्ति की कागार पर है, लेकिन सूचना फलक का कार्य की लागत राशि व मजदूरी का उल्लेख नहीं हुआ, जो कि कार्य को लेकर प्रश्न खड़ा करता है, जिसका भी ग्रामीणों ने विरोध किया। अधिकांश मजदूरों को तो मजदूरी कार्य की दैनिक रोजी क्या है वह भी पता नहीं। अभी हम ग्राम दुल्ला में आए हैं, जहाँ पर रोजगार गारंटी का काम चल रहा है, जारी है, और ये आपको मैं पूरा तालाब का चारों ओर दिखा देना चाहता हूँ। कहीं भी जो मजदूरों के छाएं दिलाने के लिए जो शेड की व्यवस्था की जाती है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर महिलाएं जो बबूल पेड़ हैं इसके नीचे बैठी हुई थी। जी अभी मैं आपको जी बताइए मैम। नहीं है यहाँ पे छाएं, हम लोग क्या करें, काम कर लेते हैं, उसके बाद ही थोड़ा बहुत छैया मिलता वहीं पे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं है तो क्या करेंगे। आप लोगों ने रोजगार सहायक अपने मेट को जानकारी नहीं दी इस संबंध में? सब किए हैं, उन लोग को करते नहीं है, यहाँ तक इतना काम भी करते हैं, फिर पैसा 100-100 रुपये कोई पैसा है क्या, उतना उतना आता है, फिर पैसे काट देते हैं, हम लोग क्या करेंगे जी, इतना बोलते हैं, फिर सुनते रोजगार सहायक को बोलते हैं। कटौती के कारण का उल्लेख जॉब कार्ड में हो। गांव के जागरूक मजदूर ईश्वरलाल साहू ने बताया कि जॉब कार्ड में प्रत्येक दिन की राशि के अलावा टोटल सभी दिनों की काम की दर वाली जगह दी गई, लेकिन उसे भी रोजगार सहायक द्वारा भरा नहीं जाता, जबकि दूसरे अन्य जिलों में उसे बराबर भरा जाता है, जिससे मजदूर को पता चलता है कि उसकी मजदूरी कितनी कटी है और उसे कितना भुगतान होगा। ऐसे में शासन प्रशासन से इसे भी जल्द प्रारंभ करने की मांग की है। जी मनरेगा कार्य में मजदूरी में जो कटौती हो रही है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? उस संबंध में सर इसको इसमें लिखित होना चाहिए। ये क्या हम कार्ड क्या है? ये कार्ड जॉब कार्ड है सर जी, जिसमें हम काम करते हैं उसका जॉब कार्ड इसमें भराई होता है। प्रेजेंट कितना दिन के आते हैं काम वाम में उसका भराई करते हैं, और इसमें राशि न लिखा जाता है, न इसमें कितना हमको पेमेंट मिलता है, कोई चीज की जानकारी इसमें नहीं होता जी। इस बारे में आपने रोजगार सहायक और बात की आपके? बात तो नहीं की है सर, मगर हम जॉब कार्ड देखने के बाद हमको ये लगा कि भाई इसमें कम से कम जितना हमको पेमेंट मिलता है उसका इसमें मूल्यांकन होना चाहिए, लिखित तो होना चाहिए, ये नहीं होता। मगर दूसरे जिला में दूसरे जिला में हमने जॉब कार्ड देखने के बाद उसमें पूरा भराई होता है कि कितना रेट है, क्या कितना पेमेंट मिलता है उसका भराई उसमें लिखा जाता है, मगर इसमें हमारे यहाँ ग्राम दुल्लक में जॉब कार्ड में कोई चीज का उल्लेख नहीं है। हितग्राहियों के पिछले वर्ष का भी भुगतान लंबित। मनरेगा में काम करने वाली सरस्वती साहू ने बताया कि उनकी बेटी रुकमणी साहू का पिछले वर्ष का भुगतान बाकी है। इस संबंध में पूछे जाने पर सहायक रोजगार मनेंद्र सेन द्वारा पैसे आएगा कहाँ जाएगा कहा जाता है, लेकिन वर्ष बीत चुके हैं, खाते में पैसे नहीं आए हैं। उन्होंने पैसा जल्द भुगतान कराने की मांग की। इस गांव में भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पिछले वर्ष का भी पैसा नहीं आया है जी, बताइए क्या कहना है? पैसा नहीं मिले, कौन से वर्ष का है? 18 साल नहीं, कौन सा इस साल का है कि पिछले साल? साल का। हाँ, इस संबंध में जानकारी आपने दी है रोजगार सहायक वगैरह को? हाँ दी है। क्या कहा उन्होंने? बस बोल थे आई की जानकारी देते, लेकिन हमारा जाफान एंट्री करावा, लेकिन हमारे बेटी पैसा नहीं मिला थे, तो कर लिया हमारे पिछले वर्ग के हमारे बेटी पैसा चाहिए जी, नहीं ठीक है, हमारा पूरा आना चाहिए हमारे बेटी पैसा जी। हमारे साथ गांव के पंच हैं और यहां पर मजदूरी भी कर रहे हैं, बताइए सर क्या तकलीफें हैं? यहां पे सर या गोदी आज तीसरा हफ्ता है जी, एक हफ्ता 4 दिन चला, एक हफ्ता 6 दिन चला जी, ये हफ्ता हमारा पहला बार है जी। हम लोग तो जानते नहीं कि मोबाइल में क्या आ रहा है क्या ना आ रहा है, बच्चे लोग बता रहे हैं कि इसमें का मजदूरी 100 रुपया आ रहा है जी, जब यहाँ इतना हार्ड है और इतना हार्ड के बाद भी कोड़ाई हुआ है जी, इंजीनियर एक दिन बढ़ाया जी, उसके बाद यहाँ पे नहीं आया, ना नापा है ना जोखा है, बगैर नाफे जोखे सबका एक बराबर कर दिया है जी। भाई सबका एक बराबर करने का मतलब क्या है भाई? आप जानते हो कि कौन गोदी कितना कोड़ा रहा है, कौन गोदी कितना कोड़ा है, उनको कम से कम देखो नापो देखो। तीसरा हफ्ता काम भी मैं बराबर सबको एक बराबर ले दिए, तो ये तो गलत तरीका है, जब 190 रुपया गोदी बता रहे 100 रुपये हिसाब से कौन सा भर रहा हो जी। इस संबंध के आपने अपने रोजगार साहब को जानकारी दी है? रोजगार साहब को जानकारी दिया, वो बोला उनको पूछा भी अगले बार
पर्सन से है ना पूछा वो कि बचत राशि कहाँ जाता है, वो बोला कि नहीं उसे मेंटेन करते हैं, जो चार दिन चलना है उसको पांच दिन चलाते हैं, छह दिन चलना है उसको आठ दिन चलाते हैं। भाई तो ये तो मजदूर का काम है, मजदूर को तुम ये पानी पंद्रह दिन तक चला दे भाई, कम कम दिन बेचा। रोजगार साहब बोला कि नहीं मैं तो अपने तरफ से 190 रुपया के हिसाब से भरवा कर भेज दिया, कटवा रहे ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ। जी आपके गांव दुन्ना मरेगा कार्य चल रहा है, उसके संबंध में जानकारी बताएं। जी ये सर हमारे यहाँ काम चल रहा है, अभी ये तीसरा सप्ताह है ना, और अभी पता चला है कि बच्चे लोग देखे हैं नेट में तो 100-100 रुपये आया करके, तभी हमारे पूरे जितने भी मतलब गुदी करता भाई है ना खोदने वाले सबका अभी आक्रोशित है कि हम इतना मतलब हार्ड मिट्टी खोद रहे हैं उसके बाद भी हमारा पैसा क्यों कट रहा है करके। इसको एक बार बोला भी गया है इस दिन, मतलब उनसे बात हुई थी क्या बोलते हैं इंजीनियर साहब से कि देखिए सर आप पैसा क्यों काट रहे हैं करके, तो बोले कि तुम्हारे यहाँ खुदाई नहीं हो रहा करके, जबकि यहाँ आके देखा भी नहीं हो। कितने बार इंस्पेक्शन में आए हैं आपके रोजगार साहब, बता रहे थे कि पिछले सप्ताह में 4 बार वो यहाँ पर आ चुके हैं। एक दिन बताया था आया था नाले वाले में आया था। इस तालाब में कितनी बार इंस्पेक्शन हुआ? एक ही बार आया, खुद स्वयं बोला है कि बहुत बेहतरीन काम इस तालाब का चल रहा है, खुद बोला है इंजीनियर, हाँ घूम कर देखा है, हाँ फर्स्ट दिन आया था उस दिन खुद बोले हैं। जी तो आपने इस बात को रोजगार सहायक इन सबसे रखा है कि कटौती क्यों हो रही, जानकारी जुटाने की कोशिश की? तो रोजगार सहायक बोले कि नहीं मैं तो पूरा भर के दिया हूँ करके, 190 रुपया भर के दिया हूँ, उसके बाद पता नहीं इंजीनियर लोग काटे हैं क्या है, मेरे नहीं मालूम बोले वो झाड़ने वाला काम करते हैं ना सर। अरे जो आपके गाँव में चल रहा है इसके संबंध बताइए। सर यहाँ खुदाई करते हैं, यहाँ पत्थर है, पत्थर में इंजीनियर बोलते हैं कि 6 इंच खनो करके, लेकिन पत्थर जो खनते हैं तो उसमें इतना मेहनत हार्ड है कि हम 6 इंच नहीं दे पाते, पत्थर बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और पत्थर है और यहाँ पर सूचना फलक को देखें कि कितने रुपए मनरेगा के मजदूरों के लिए है दर और कितने लाख रुपए है, तो अभी 3 हफ्ते हो गए यहाँ काम करते हुए, लेकिन अभी सूचना फलक जो है पोताई हुआ है उसमें एक साइड अलग कलर है और एक साइड दूसरा कलर है, उसमें अभी तक कुछ हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। सुने हैं कि 202 रुपया है करके, लेकिन वास्तविकन में सूचना फलक देखते तो वास्तविक जानकारी हम लोगों को होता। जी जी। और इस आधार पे हमको पता चला है कि 100 रुपये 202 में 100 रुपये आए हैं करके, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये पैसा कटा तो कटा कहाँ है। रोजगार साहब से पूछे तो रोजगार साहब बोले कि हम लोग तो 190 रुपये करके वहाँ भेजे हैं करके, तो उसके बाद वहाँ से क्या इंजीनियर लोग काटे है क्या पीओ कांटे है उसको हमको अभी तक जानकारी नहीं हुआ, और पिछले तालाब नाला गहरीकरण में जो कमाए थे उसमें 174 रुपये बताया गया था उसमें 140 रुपये आए हैं, लेकिन इधर तो कहते हैं कि कोरोना चल रहा है तो मजदूरों को हम रोजगार दे रहे हैं करके, तो ये रोजगार दे रहे तो उससे अच्छा तो भाई घर में बैठते वही अच्छे थे, उससे ज्यादा तो हम और कहीं जो लॉकडाउन खुलवा देते और हम वहाँ काम में चले जाते और कमाते, हम लोग भूख मर रहे हैं ये करके यहाँ काम करने आए हैं, और 100 रुपये दे रहे तो क्या मतलब 100 रुपये देने से, 200 दिए है तो 202 ही देना चाहिए। जी आपका नाम? तो इसको हमको जानकारी चाहिए कि वास्तविकन में कट कहाँ से रहे। आपके जो मजदूरी में कटौती उस संबंध में आपका क्या कहना? सर हम लोग तो जब खन रहे हैं तो पूरा मेहनती के साथ कर रहे हैं, और पत्थर वाले गांव है तो हम लोग कितना दे गहराई को, और जब हम लोग रोजगार सहायक से पूछ रहे हैं तो रोजगार सहायक बोल रहे हैं कि हम लोग मास्टर रोल में पूरा भेज रहे हैं करके, और जब वहां से आ रहे हैं तो सीधा 100 रुपया आ रहे हैं, आजकल ऑनलाइन का जमाना है हर चीज में पता चल जाता है। इसकी शिकायत आपने की है? अभी तो पूछे नहीं है कि रोजगार सहायक से, और जब पिछला में आया है वो सिर्फ 174 की जगह 140 रुपया बस आ रहे हैं। मनरेगा कार्य चल रहा है इस संबंध में क्या कहना है? क्या कहना सर, यहाँ 202 रुपये रोजी है, 202 रुपये रोजी आना भाई, यहाँ कितना रुपया आ रहा है? वहाँ का 176 रुपये रोजी है, वहाँ का 140 रुपये आया है, 140 रुपये क्यों आया, 176 रुपये आना चाहिए रोजी। आपने जो कटौती हुआ है इसकी जानकारी जुटाई क्योंकि कट रहा है आपके खाते में आ रहा है वो पैसा? तो क्या किसको जानकारी दे भाई, खाता में पैसा निकाला तो जाना कि 140 रुपया आया है, तो जाने उसके बाद आप क्या किए? 36 रुपए क्यों कटा आप जानने का प्रयास नहीं किए क्या? किसको बोले? रोजगार सहायक को बोलिए, मेट को बोलिए। अरे कोई कुछ नहीं सुनता भैया, कोई कुछ नहीं सुनता, हम लोग हमारे हाथ में नहीं है पैसा, ऊपर से आता है बोलते। अच्छा ऊपर मतलब कहाँ से? ऊपर मतलब इससे ऊपर, रोजगार सहायक से ऊपर और क्या। जी मनरेगा कार्य में आपके मजदूरी के कटौती के संबंध में क्या करना? मैं 5 रोज नाला में काम किया हूँ,
और मात्र 500 रुपया आया है। और मेरे गोदी का निरीक्षण फोटो किया है देवेंद्र पंच और मेट है लोमेश साहू, मेट काम किया है, वह गोदी भरा है। क्या है 5 रोज काम करके मैं 500 रुपया पाऊंगा तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? रोजी क्या निर्धारित है और कितना मिला है आपको? 100 रुपया पड़ रहा है, उसमें तो 164 रुपया करके सरपंच बताया था, लेकिन उसमें मात्र 100 ही रुपया आया है मेरे। 5 रोज काम किया हूँ, 500 रुपया आया है। इस कारण से मैं मेट और जो गोदी का फोटो निरीक्षण लिया है उस से मैं सलाह लिया, तो वो बोलता है कि मैं नहीं जानूंगा। तो इसका शिकायत मैं सरपंच को किया, सरपंच बोलता है मनेन्द्र सेन जानेंगे करके, मनेन्द्र सेन के पास जो करना है जो कर लो करके बोल दिया, वो मेरे कुछ सुना भी नहीं। अच्छा, हमारे साथ दुलना गांव के रोजगार सहायक भी हैं यहाँ पर। जी सर बताइए किस तरीके से आपके गांव में काम हो रहा है मनरेगा के तहत? जी हमारे यहाँ सुधार तालाब का है, तालाब की 90,000 से खेती है, 11 दिन है यहाँ, अभी हम मजदूर बड़े काम कर रहे हैं। मजदूरी क्या निर्धारित है? मजदूरी का 190 है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग अभी भी राशि कटौती को लेकर आपके सामने बोल रहे थे, इस संबंध में आपका क्या कहना है? थोड़ा कम हुए करके इंजीनियर से थोड़ा कटौती की गई है। इंजीनियर जनपद काफी चट्टानी जगह है, मजदूर काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो फिर कटौती में ये संबंध में आप लोग इस संबंध में क्या नहीं बता पाऊंगा, वो आप क्या कहते हैं सरपंच? इस पूरे मामले में गांव के सरपंच उमेश साहू ने मजदूरी काटने के मामले में डीएनएक्स टीवी के रिपोर्टर विश्वेश्वर हिरवानी से बातचीत में कहा कि मैं सभी मजदूरों के साथ हूं। इस संबंध में इंजीनियर से बातचीत हुई है और वे कल आएंगे और निरीक्षण कर पूरे मामले की जांच करेंगे। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ गाँव के सरपंच उमेश साहू जी हैं, आइए अधिकारी पुष्टि के लिए हम उनके पास चलते हैं। जी सरपंच जी बताइए कि मजदूरों की कटौती, जो भारी कटौती चल रही है आपके गांव के मजदूरों के मनरेगा कार्य में, इस संबंध में आपका क्या कहना है? अधिकारी को बताया गया है जिस हिसाब से वो कटौती कर रहे हैं, कल उनको अवगत कराया गया था, आऊंगा ऐसा बोले थे सोनी जी, राकेश सोनी, कल उपस्थिति होंगे मेजरमेंट के साथ। कटौती का अंतर आपको पता है? 190 रुपये मूल्य निर्धारित है और किसी किसी मजदूरों के खाते में 100 रुपये आया है, तो इतनी बड़ी अंतर राशि की कटौती ग्राम पंचायत दुल्ला से जितनी राशि अवगत कराया गया है शासकीय दर का, उनका अवलोकन भेज दिया गया है पूर्व में ही, और जो नया काम चालू हुआ है अब सप्ताह का पहला दिन, कल उनका मेजरमेंट किया जाएगा, उसके अनुसार से राकेश सोनी को अवगत कराया गया है।